हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो गाइस, आज आप स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप अपना क्रोम ब्राउज़र में अपना यूट्यूब को किस तरह से ओपन करेंगे। तो आप जानते हैं कि क्रोम ब्राउज़र में यूट्यूब ओपन करने पर डेस्कटॉप साइट में ओपन होता है, डेस्कटॉप मोड में ओपन होता है। तो आज आपको बताऊँगा कि कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो कैसे आपको ओपन करना होगा अपना यूट्यूब को डेस्कटॉप साइट में। तो यहाँ देखिए, मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ सर्च कर लेते हैं YouTube। देखिए, मैंने YouTube सर्च कर लिया। YouTube सर्च करने पर देखिए यहाँ पर लिखा है YouTube। तो देखिए, यहाँ YouTube पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम YouTube पर क्लिक करेंगे तो हमारा YouTube एप्लीकेशन में ओपन हो जाता है, जो कि डेस्कटॉप मोड में ओपन नहीं हो रहा है। और आपको क्रोम ब्राउज़र में ओपन करना होगा डेस्कटॉप मोड में, तो ये नहीं हो रहा है। तो मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ, जहाँ फिर तो मैं बैक हो चुका हूँ। और बैक होने के बाद यहाँ यूट्यूब पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे हम यूट्यूब पर क्लिक करेंगे तो फिर से वही अपना यूट्यूब एप्लीकेशन में इंटर हो चुके हैं। तो इसे किस तरह से आप अपना डेस्कटॉप मोड में ओपन करेंगे आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ यूट्यूब लिखा है। यूट्यूब लिखने के बाद यहाँ आपको डेस्कटॉप लिखना होगा। तो देखिए, यूट्यूब डेस्कटॉप यहाँ पर मैंने एक बार सर्च किया था, तो यहाँ यूट्यूब डेस्कटॉप लिखना है और आपको सर्च करना है। जैसे हम YouTube डेस्कटॉप सर्च करेंगे तो सिंपली आपको साइन इन YouTube लिखा हुआ है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको YouTube अपना ओपन हो चुका है क्रोम ब्राउज़र में डेस्कटॉप साइट में। तो आप भी इसी तरह से अपना YouTube को डेस्कटॉप साइट में ओपन कर पाएंगे। आपको वहाँ लिखना होगा YouTube डेस्कटॉप, YouTube नहीं लिखना है, आपको YouTube डेस्कटॉप लिखना होगा, तभी ये डेस्कटॉप साइट में ओपन होगा। सो गाइस, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर लेना, साथ में शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, वीडियो को यहीं एंड करते हैं।